हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एस जेड एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम इंग्लिश सॉल्यूशन करेंगे, सेकंड स्टैंडर्ड, पेज नंबर 1। राइमिंग वर्ड कैट राइमिंग। कलर द वर्ड दैट राइम विद कैट ऑरेंज, कलर ऑल अदर वर्ड्स ब्लू। मतलब जो कैट के राइमिंग वर्ड है उसमें ऑरेंज कलर करना है और अदर ब्लू कलर करना है। पेज नंबर 2। वर्ड बिल्डिंग। मेक 3, 4 और 5 लेटर वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। पब्लिकेशन, इसका मतलब है हमें पब्लिकेशन के वर्ड से 3, 4 या 5 वर्ड के छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं, जैसे पब्लिक, पेन, कैट, मैट। बट, लॉस्ट, हॉट, टेबल, सन, टैन, पॉट, बोट, लॉट, सन, बोनस, पॉट, कॉल, एक्शन, बॉल एंड लास्ट वन टॉप। नेक्स्ट, ये भी वर्ड बिल्डिंग है। इस बार हमें एनसाइक्लोपीडिया से छोटे छोटे वर्ड्स क्रिएट करने हैं। सेल, आइडिया, साइकिल, रेस, कैप, वन, एड, डाई, नोट, बीन, पैन, टॉप, पैड एंड क्लैप, कॉल, नेल, पाई, पॉप एंड ओके। नेक्स्ट वन, अगेन रिलेशनशिप, इससे भी छोटे छोटे वर्ड्स बनाने अपने, जैसे रियल, आयरन, ऑल, नॉट, रेड, रेड, हीट, पिन, शॉप, डैन, ऑनियन, टॉप, पॉट, शेप, हॉप, हैट, लॉट, शी, लास्ट, शिप एंड नेक्स्ट वन। दिस इज पैराग्राफ राइटिंग, इसे हमें ना देख कर नीट एंड क्लीन लिखना है। ओके, यहाँ देखो ऐसा लिखे, 1, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ डेली। 2, वी मस्ट हैव अ बाथ एवरी डे। इस तरह सारे पॉइंट्स हमें एज इट इज कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट, अगेन पैराग्राफ राइटिंग, दिस इज गुड हैबिट्स, इसे भी हमें देख कर लिखना है नीटली एंड क्लीन, गुड हैंड राइटिंग। इसके भी 9 पॉइंट्स हैं, एज इट इज ऐसे ही लिखो आप लोग भी। ओके, नेक्स्ट, अगेन पैराग्राफ राइटिंग, दिस इज द पोस्टमैन। ये पैराग्राफ पोस्टमैन के ऊपर है, इसे भी सेम एज इट इज लिखना है पूरा पैराग्राफ। ओके, देन नेक्स्ट, जॉइन द डॉट्स, इसमें सारे जॉइन करना है डॉट्स को, 1 to 40 पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट, स्पॉट 10 डिफरेंट इन द फॉलोइंग 2 पिक्चर्स। ये इसमें जो भी डिफरेंस है उसमें मैंने एरो कर दिया है, आप लोग उसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, कलर क्रॉसवर्ड, चूज द कलर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, सॉल्व द पजल। मैंने पजल्स लिखा है, साथ में हमें कलर भी करना है। लीफ में ग्रीन कलर, सन में येलो कलर और क्लोथ में ब्लू कलर। नेक्स्ट, ग्रेप्स में पर्पल कलर, चेरी में रेड कलर एंड ऑरेंज में ऑरेंज कलर। नेक्स्ट, वर्ड पाथ। वर्ड पाथ में क्या करना है हमें, सारे बॉक्सेस में एस एच हमें लिखना है
और जो भी वर्ड मीनिंगफुल होंगे उसमें कलर करके पाथ बनाना है। मैंने सर्कल किया है रेड कलर का, वो बॉक्स में कलर करना है। ओके, नेक्स्ट सेम एज इट इज़ वर्ड पाथ, इसमें CH लिखना है हर बॉक्स में, और जो भी वर्ड मीनिंगफुल बनेंगे उसमें कलर करना है, और उसी तरीके से पूरी पाथ क्रिएट करना है। मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, उसमें कलर करिए। ठीक है, कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द कोड, जो कोड के हिसाब से आपको कलर करना है। ग्रीन कलर स्क्वायर के लिए है, सर्कल के लिए येलो कलर, स्टार में आपको ब्लू कलर करना है, और ट्रायंगल में ऑरेंज कलर, रेड ट्रायंगल में ब्राउन, एंड लास्ट हार्ट में रेड कलर करना है। ओके, नेक्स्ट क्रैक द कोड, ये हर बॉक्स में कोड्स दिए हैं, उसको उस कोड को यूज़ करके हमें फिलअप करना है, तो मैंने किया है इस तरह, आग भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पजल, पजल में पार्ट ऑफ बॉडी है, उसको पहले सर्कल करना है, फिर लाइन से आपको लिखना है, जैसे आईज, नोज, माउथ, लेग, हेड, ईयर, हैंड, फिंगर, शोल्डर एंड स्टमक। ओके, नेक्स्ट 10 बर्ड्स नेम इज, इस ये भी पजल है, आपको सर्कल करना है, देन लाइन वाइज लिखना है, जैसे पीकॉक, कॉक, पैरट, क्रो, स्पैरो, पिजन, ओवल, ऑस्ट्रिच, डॉग एंड लास्ट वन ईगल। ओके।